बात अगर हम करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां y1 लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास y डैश लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में हमारे पास y1 लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपने ये अच्छे से पढ़ा है कि डिफरेंशियल कोफिशियंट को हम तरह तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी में dy by dx यानी जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशियंट है dy by dx, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम y1 भी लिखते हैं। dy by dx लिखिए या y1 लिखिए या y डैश लिखिए, तीनों का मतलब सेम होता है। क्या बोला मैंने, dy by dx, y डैश और y1, ये तीनों का मतलब सेम होता है। तो हमारे क्वेश्चन में अगर यहां पर y1 लिखा हुआ है, मतलब ये dy by dx है। अब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोफिशियंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो आप अपने इस इक्वेशन को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। इतना सारा चीज जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझ में आना चाहिए। इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप इस चीज को भी ध्यान से समझिए कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा कि आपको लाना क्या है, और उसको लाने के लिए आपके पास जितने भी इक्वेशंस बन रहे हैं आप उन इक्वेशंस में से कहीं से भी कोई भी वैल्यू उठाकर पुट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो था एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करते समय यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। u इंटू वी के फॉर्मूले में u को हमने वैसे ही लिखा, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को वैसे ही लिखा, u को डिफरेंशिएट किया, यही था फॉर्मूला। u की जगह पर हमारा x है, y जो है v की जगह पर है, तो x को हमने वैसे ही लिखा, y का डिफरेंशिएशन है यहाँ, प्लस y को वैसे ही लिखा, यहाँ x का डिफरेंशिएशन है। तब तक आप सोचिए कि log y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y, और चूंकि y है इसलिए मल्टीप्लाई में dy by dx आएगा, और c जो है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। यहां ये x वैसे का वैसे ही, y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, प्लस ये y वैसे ही x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहां पर हमारा 1 by y dy by dx है। ये x dy by dx को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहां पर हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन y dy by dx माइनस x dy by dx। अब इन दोनों में से हम dy by dx को कॉमन ले लेते हैं। dy by dx को कॉमन लेते ही यहां पर बचेगा 1 अपॉन y माइनस x। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, y इज इक्वल टू dy by dx, एलसीएम लेने पर 1 माइनस एक्स वाई अपॉन का y आया। इस y को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये dy by dx का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो इस y को जब अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स वाई को जब अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा। तो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dy by dx आ गया। हमें यहां पर dy by dx की वैल्यू मिल गई y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही dy by dx को हम लिख सकते हैं y1, यानी y1 इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर भी है, y1 इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
हमने अपने इक्वेशन को लिया था और इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने लास्ट में y1 इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्रूफ किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग y प्लस सी, ये जो है आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन y1 इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इक्वेशन एक सॉल्यूशन है।